हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को आज इंटीग्रेशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाने जा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए स्पेशली। इरेशनल इंटीग्रेशन में इरेशनल फंक्शन है, तो इसको इंटीग्रेट करने में ये कंसेप्ट बहुत मदद करेगा। तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को देखते हैं। इंटीग्रेशन एक्स का पावर एम ए प्लस बी एक्स का पावर एन होल पे पावर पी डी एक्स, अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है तो सबसे पहले हम देखेंगे पी के वैल्यू को। याद रखें, किसके वैल्यू को देखेंगे? पी। तो पी का वैल्यू तीन तरह का हो सकता है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर और एक फ्रैक्शन में। पी का तीन तरह का वैल्यू होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन। अगर पी पॉजिटिव इंटीजर हुआ, मतलब नेचुरल नंबर हुआ, तो हम यहां पे जैसे यहां पे पी की जगह पे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो हम यहां पे इसको पहले बाइनोमियली एक्सपैंड करेंगे। जैसे अगर x प्लस ए होल पे पावर 4 है, तो बाइनोमियल थ्योरम में आप लोग बाइनोमियल थ्योरम से पता है कि x प्लस ए होल पे पावर 4 या होल पे पावर 5 या होल पे पावर 6 को कैसे एक्सपैंड करते हैं। इसको एक्सपैंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अगर पी नेगेटिव इंटीजर हुआ, अगर p नेगेटिव इंटीजर हुआ, तो हम उस केस में x इज इक्वल टू t का पावर k सब्स्टिट्यूट करेंगे। याद रखें, x इज इक्वल टू t का पावर k, तो ये k क्या है? अगर m और n इंटीजर है तो एलसीएम ऑफ m और n होगा, और अगर m और n फ्रैक्शन में है तो दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा। याद रखें, p अगर नेगेटिव इंटीजर है, p अगर नेगेटिव इंटीजर है तो p x इज इक्वल टू टी का पावर k मानेंगे, जहां पे k क्या है? m और n अगर नेचुरल नंबर है तो दोनों का एलसीएम, अगर m और n फ्रैक्शन में है तो दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा k। फिर अगर p फ्रैक्शन में है, मतलब ये p किस में है? फ्रैक्शन में, तो हम चेक करेंगे m प्लस 1 बाई n का वैल्यू, m ये प्लस 1 और n यहां पे जो n है उसका वैल्यू चेक करेंगे। अगर m प्लस 1 बाई n इंटीजर हुआ, अगर m प्लस 1 बाई n क्या हुआ? इंटीजर, तो a प्लस बी एक्स का पावर n को हम t का पावर k मानेंगे। अगर m प्लस 1 बाई n इंटीजर हुआ तो a प्लस बी एक्स का पावर n को t का पावर k मानेंगे, जहां पे k जो है वो डिनोमिनेटर होगा p का, k डिनोमिनेटर होगा किसका? p का। लेकिन अगर m प्लस 1 बाई n इंटीजर नहीं है तो उस केस में हम चेक करेंगे m प्लस 1 बाई n प्लस p का वैल्यू। याद रखें, m प्लस 1 बाई n प्लस p का वैल्यू, अगर ये इंटीजर हुआ m प्लस 1 बाई n प्लस p का वैल्यू, तो हम a प्लस बी एक्स का पावर n को मानेंगे t का पावर k इंटू एक्स का पावर n। a प्लस बी एक्स का पावर n को हम क्या सब्सिट्यूट करेंगे? t का पावर k इंटू एक्स का पावर n, जहां पे k जो होगा वो डिनोमिनेटर होगा p का। लेकिन अगर ये भी इंटीजर नहीं हुआ तो उस केस में इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे हम यहां पे एक प्रॉब्लम लेते हैं, यहां पे गौर करें, मेरे पास फॉर्म क्या था? फॉर्म को लेके हमेशा चले, x का पावर m a प्लस बी एक्स का पावर n होल पे पावर p dx, यही था। तो कंपेयर करें, सबसे पहले p को देखना, तो p क्या है? नेगेटिव इंटीजर। तो हम क्या बताएं कि अगर p नेगेटिव इंटीजर हुआ, अगर p नेगेटिव इंटीजर हुआ तो x के यहाँ पे t का पावर k मानेंगे, तो यहां पे हमको x के जगह पे क्या मानना है? t का पावर k। तो x इज इक्वल टू t का पावर k। तो सवाल ये उठता है कि ये k फिर क्या है? तो k हम क्या बताएं कि अगर m और n फ्रैक्शन में हुआ तो दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो गौर करो, यहां पे m क्या है? 2 बाई 3 है, n भी क्या है? 2 बाई 3। तो दोनों के फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में कौन है? 3। तो 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 3। तो यहां k हो गया 3, मतलब यहां पे x होगा t का पावर 3। सब्स्टिट्यूशन के बाद पहला स्टेप क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन। तो ये dx बना, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 3t स्क्वायर dt। तो यहां पे dx मेरे पास आ गया 3t स्क्वायर dt। अब जाके हम सबको पुट करते हैं, तो ये 1, देखिए यहां पे पावर माइनस है, यहां भी पावर माइनस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? dx नीचे क्या आ जाएगा? x का पावर 2 बाई 3, और ये भी क्या आएगा? 1 प्लस x का पावर 2 बाई 3। अब सबको पुट करें, dx के यहां पे क्या रखेंगे? 3t स्क्वायर dt। फिर गौर करो, x x के यहां पे क्या रखेंगे? t का पावर 3, तो t का पावर 3 होल पे पावर 2 बाई 3 आया। यहां पे 1 प्लस सेम चीज, यहां पे t का पावर 3 होल पे पावर क्या आएगा? 2 बाई 3। अब सबको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये इंटीग्रेशन
थ्री टी स्क्वायर, नीचे ये थ्री और थ्री कैंसिल होगा तो ये टी स्क्वायर आया, यहाँ पे भी थ्री और थ्री कैंसिल होगा तो ये वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये टी स्क्वायर कैंसिल, थ्री कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, ये वन प्लस टी स्क्वायर डी। अब तुम लोग देख सकते हो ये सम स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया। अब हम इसको सम स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट करते हैं, तो ये थ्री इसको हम डी टी लिख सकते हैं, ये टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई ए टैन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे ए क्या है, वन, टैन इनवर्स क्या बनेगा टी बाई ए, तो ये वन, तो ये थ्री आया, फिर इधर से क्या आ जाएगा टैन इनवर्स और टी, टी के जगह पे हम किसको रखें, टी किसको माने, मतलब एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब है तो टी कितना आएगा, यहाँ से टी जो आएगा वो एक्स का क्यूब रूट आएगा, मतलब ये एक्स का पावर वन बाई थ्री प्लस सी, ये हो गया आंसर। एकदम आसान है और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक प्रॉब्लम और हम देखें, जैसे देख सकते हो ये इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा, लेकिन इसको एकदम इत्मीनान से अगर हम बनाएं तो बहुत आराम से बनेगा। इसको पहले हम चेंज करते हैं, ये नीचे देख सकते हो ऊपर क्या है, पहले ये देखो वन प्लस ये एक्स का पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स है तो वन बाई थ्री लिख सकते हैं, होल पे पावर रूट है तो ये वन बाई टू लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर टू बाई थ्री डी एक्स। इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये जब ऊपर जाएगा तो एक्स का पावर क्या बनेगा, माइनस टू बाई थ्री, फिर ये वन प्लस एक्स का पावर वन बाई थ्री होल पे पावर वन बाई टू। मेरे पास फॉर्म क्या है, फॉर्म हमेशा याद रखना है, एक्स का पावर एम ए प्लस बी एक्स का पावर एन होल पे पावर पी डी एक्स। तुम लोग खुद देखो यहाँ पे पी का वैल्यू क्या आ गया, वन बाई टू, तो पी का वैल्यू वन बाई टू मतलब फ्रैक्शन में है। तो हम क्या बताएं कि पी का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में होगा तो हम चेक करेंगे एम प्लस वन बाई एन का वैल्यू। यहाँ पे देखो एम कितना है, माइनस टू बाई थ्री है, प्लस वन डिवाइड बाई एन कितना है, वन बाई थ्री। इसको अगर हम चेक करें सही से तो माइनस टू प्लस थ्री डिवाइड बाई थ्री आया, ये वन बाई थ्री आया, ये और ये कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ऊपर से वन और नीचे से वन, मतलब एम प्लस वन बाई एन क्या आ गया, इंटीजर। तो हम क्या बताएं कि अगर एम प्लस वन बाई एन इंटीजर है, एम प्लस वन बाई एन इंटीजर है तो ए प्लस बी एक्स का पावर एन, मतलब इस पूरे को, मतलब वन प्लस एक्स का पावर वन बाई थ्री को, वन प्लस एक्स का पावर वन बाई थ्री को मानेंगे टी का पावर के, जहां पे के क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ पी, के क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ पी, तो यहां डिनोमिनेटर ऑफ पी क्या है, टू, तो ये टू। अब सब्स्टिट्यूशन तो हो गया, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, वन बाई थ्री आएगा, एक्स का पावर वन बाई थ्री माइनस वन मतलब माइनस टू बाई थ्री आया डी एक्स, और ये क्या बना, टू टी डी टी। तो एक्स का पावर माइनस टू बाई थ्री डी एक्स, यहाँ से थ्री को इधर भेज दिए तो सिक्स टी डी टी। अब एक्स को हटाते हैं टी को लाते हैं, तो गौर करो एक्स का पावर माइनस टू बाई थ्री, यहाँ डी एक्स है, एक्स का पावर माइनस टू बाई थ्री डी एक्स, तो एक्स का पावर माइनस टू बाई थ्री डी एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, सिक्स टी डी टी, डी टी रखें। यहाँ पे वन प्लस एक्स का पावर वन बाई थ्री है तो वन प्लस एक्स का पावर वन बाई थ्री क्या है, टी स्क्वायर, और यहाँ टी का पावर वन बाई टू तो टी स्क्वायर होल पे पावर वन बाई टू, तो ये सिक्स आया, ये क्या आ जाएगा कट के, ये तो टी है और ये भी टी डी टी, तो टी इंटू टी क्या बनेगा, टी स्क्वायर डी टी। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब बाई थ्री, तो सिक्स टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी, ये और ये कैंसिल, तो ये आ गया टू टी क्यूब प्लस सी। अब टी को आंसर करना एक्स के टर्म्स में, तो यहाँ से गौर करो टी, टी तुम्हारा क्या आएगा, रूट अंडर वन प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स आएगा, जाके यहाँ रखो तो टू रूट अंडर वन प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स होल पे पावर थ्री प्लस सी, ये हो गया आंसर। तो देख सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से करें। ये इरेशनल के इंटीग्रेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम को बहुत आसानी से बना देता है। तो थैंक यू वेरी मच, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।